आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, लाल किताब का बहुत चलन है आज के जमाने में, सब देख रहे होंगे आप, जगह जगह दिखाई देता है लाल किताब का। लाल किताब के फरमान कहलाते हैं, इसको अरुण संहिता भी कहते हैं। मगर आप देखें कि ये फलीभूत नहीं हो रहे आज के जमाने में, है ना। इतने छा गए, इतने पॉपुलर हो गए, इतने कॉमन हो गए कि इनके रिजल्ट्स प्रॉपरली नहीं मिल रहे, देख रहे हैं ना आप। इसके कारण है कुछ, मैंने 7 कारण निकाले हैं कि इसके पीछे क्या रीजंस हैं, इसके रिजल्ट्स हम पूरी तरह बेनिफिटेड नहीं हो पा रहे। चलिए, इससे पहले देखिए गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहिए, मैं पहले आपको बता दूं कि इसका इसके पीछे कहानी क्या है, ये है क्या, लाल किताब चीज क्या है, कोई लाल किताब का मतलब कोई लाल चीज है क्या, क्या है, जिनको पता नहीं उनके 2-4 मिनट में बता देता हूँ। देखिए, ये एक बेसिकली एक ज्योतिष का ग्रंथ है एक ये, और इसको मूल जो इसका जो माना गया है वो रूपचंद जोशी जी का माना गया, उन्होंने लिखा ये 1939 और लगभग 1952 के बीच में लिखा गया, उर्दू और पर्शियन भाषा में ओरिजिनल जो इसकी लिखी गई। और वो बेचारे सीधे सच्चे इंसान सर्विसेज में थे ये, और ये अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते थे, फ्री निशुल्क ये बनाते थे, बुक्स बनाते थे, ये वाली किताबें बनाते थे, 5 खंडों में थी ये, और निशुल्क देते थे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इंटरेस्ट के। मगर इसके बाद में फिर जो इनके भाई थे, अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते थे ये, तो इनके भाई थे गिरधारी लाल जी, उन्होंने इसको अपने तरीके से इसको अनुवाद किया, फिर इसको बनाया, इसको कमर्शलाइज किया, और उसके बाद में फिर गिरधारी लाल जी के बेटों ने, उन्होंने फिर इसको और अच्छी तरीके से रूप दिया इसको। मगर जो ट्रांसलेट हुआ, ओरिजिनल जो बुक थी, ओरिजिनल जो भाषा थी, ओरिजिनल का तो पता ही नहीं कि इसका रचयिता कौन है, कहाँ से शुरू हुआ, इसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है। मगर हमारे जो इंडियन से जो स्टार्ट हुआ, इंडियन हमारी जो माइथोलॉजी है, जो माना गया, फिर इसके बाद में ट्रांसलेशन करते करते अर्थ का अनर्थ होता चला गया। अनर्थ मीन्स कि कुछ वहाँ कुछ था, यहाँ कुछ आया, आपको पता है ना, ट्रांसलेट करेंगे तो प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं हो सकता था। फिर इसको फिर प्रेस वालों ने लेना शुरू कर लिया, हाईली कॉमर्शलाइज हो गया। सबसे पहले चंडीगढ़ से ये अरुण संहिता के नाम से निकला, ये अरुण प्रकाशन ने निकाला। फिर इसके बाद में देहाती पुस्तक भंडार से इसकी फोटो कॉपी करके निकाली जाने लगी, अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप में, जैसे जिसका हुआ। इसमें था क्या, वस्तुता क्या था इसके अंदर, ये मस्तिष्क के जो 42 हमारे भाग माने गए हैं, और जन्म कुंडली के 12 भाव, हमारे जो जॉडियक्स हमारे साइंस हैं, तो जो हमारा जॉडियक की जो पोजीशन है पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे, जन्म कुंडली, हॉरोस्कोप, जन्मपत्री, उसमें 12 भावों को, दोनों को जोड़कर और ग्रहों की स्थिति देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का बहुत सारा वर्णन बयां इससे किया जा सकता था लाल किताब के फरमान से। तो ये चीज चलन में आई और बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे एक समय में इसमें। और इसमें प्लस पॉइंट क्या था, सबसे बड़ी अच्छाई क्या थी, क्या है कि इसमें देखिए कोई मंत्र नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है, कोई कहीं इसमें क्लिष्ट साधनाएं नहीं है, कहीं इसमें अनुष्ठान नहीं है, पूजा नहीं है, पाठ नहीं है, कोई महंगी चीजें नहीं है। वो चीजें जो सुलभ है, वो घरेलू उपाय जो आदमी इजिली अफोर्ड कर सकता है, इजिली उनको अपने करने के लिए चुन सकता है। और सबसे बड़ा कहते हैं कि इसमें कोई भी अनर्थ की, किसी भी प्रकार की डैमेजिंग की, कोई एडवर्स रिजल्ट की कहीं भी संभावना नहीं दिखाई देती इनमें। और फिर इसमें क्या है कि जो ये माना गया, देखिए कि जो इसमें आपको पता है क्रिटिसिज्म तो हर जगह होते हैं, और क्रिटिसिज्म इसलिए होने लगे कि इसमें कहीं भी भगवान के नाम से नहीं जोड़ा गया। इसमें माना गया कि इसमें जो बहाने में जोर दिया जाता है, जल में चीजें बहाई जाती हैं, तो जल में बहाने के कारण ये लगा कि जल को प्रदूषित कर रहे हैं, जल को दूषित कर रहे हैं। तो ये 2 चीजें बाद में बहुत क्रिटिसाइज होने लगा इसमें। इसमें देखिए 5 चीजों का मेन होता है करने का लाल किताब की किताब में, इनके उपायों में, इनके टोटकों में। एक तो दबाने को लेके कोई चीज दबाई जाती है, जलाने को लेके कोई चीज जलाई जाती है, बहाने को लेके विसर्जित की जाती है, प्रवाह करी जाती है जल में कोई चीजें, दान करे जाते हैं, पुण्य करे जाते हैं, या धारण करी जाती है। ये 5 चीजें मेन बेस हैं इसके लाल किताब के। अब देखिए वो 7 क्या कारण हैं जिनकी वजह से फलीभूत नहीं हो रहे। बहुत सारे कारण हो सकते हैं और भी, मगर जो मैंने छांटे,
मैंने मैंने जो बुक्स मैंने अध्ययन किए, मैंने देखे, लोगों के एक्सपीरियंस लिए पंजाब में, जो 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 वास्तव में जो जो वो लोग हैं जो अभी भी जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, उनसे मिलके मैंने देखा कि कुछ चीजें हैं जो ये कारण बनते हैं। तो सात मैंने कैटेगराइज किया इनको, सात देखें। अगर लाल किताब का पूरा पूरा फल लेना है आपको, लाल किताब से पूरा पूरा आपको लाभ उठाना है, तो आप ये सात चीजें जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जो बताने वाले हैं ना बता तो सब रहे हैं, आप भी दो चार पढ़ेंगे तो आप भी बताने लगेंगे, मगर वो उसके पीछे जो उसका उसका बेस है, उसके पीछे जो मर्म है उसका, कि उसके पीछे कारण क्या है, कौन करे, कौन नहीं करे, क्यों करे, कैसे करे, क्या करे, कब करे, इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक इसके प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। देखिए पहला कारण क्या है कि जो उपाय दिन में करने वाले हैं वो दिन में करें, जो उपाय रात में करने वाले हैं वो रात में करें। इसमें देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, वो कहते हैं कि रात में रखो और प्रातः इनको कहीं दान कर दो, या गौ को खिला दो, या जल में विसर्जित कर दो, या किसी वृक्ष की जड़ में डाल दो। तो ये चीजें जैसे मूली रखने को कहते हैं, सिक्के रखने को कहते हैं, सर के किनारे रात में सोते समय पानी रखने को कहते हैं कि पानी का लोटा रख लो और जल में मॉर्निंग में इसको कहीं किसी वृक्ष की जड़ में इसको छोड़ दो। ये सब चीजें, बहुत सी चीजें रात में आती हैं, कहते हैं कि रात में चूल्हा जो बुझाएं, रात में की रोटी बनने के बाद में अग्नि को दूध से ठंडा करें, तो ये रात का प्रयोग है। इस टाइप के जो चीजें प्रयोग हैं ये वाले, और फिर इनका दिन वाला जो प्रयोग है वो फिर सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त तक, इस बीच में करना चाहिए ये तरीका। मगर ऐसा होता नहीं है, दिन के प्रयोग रात में कर रहे हैं, रात के प्रयोग दिल में कर रहे हैं, तो सब घालमेल हो गया ना सारी चीजें। दूसरा इसमें क्या कहा जाता है कि जैसे अब देखिए, जैसे मैंने इसमें बताई ना पांच चीजें आपको, है ना, जलाना, दबाना, बहाना, तो ये देखना है कि प्रॉपरली किस चीज को जलाना है, किस चीज को दबाना है, किस चीज को प्रवाह करना है। ऐसा नहीं कि जिसको प्रवाह करना है उसको दबा दिया, या जिसे दबाना है उसको जला दिया, या जिसे घर से निकालना है उसको आपने धारण कर लिया, तो ये घालमेल, इससे बचना है, ये नहीं करना ये चीज। फिर इसमें वृक्षों का बहुत महत्व बताया गया है, और हम तो क्योंकि पर्यावरण के संरक्षक है ना, हम तो चाहते हैं कि पर्यावरण का इसी बहाने कम से कम संरक्षण हो। इन्होंने क्या बताया कि कुछ जो ग्रह हैं वो इनकी स्थितियां होती हैं, कच्चे ग्रह, पक्के ग्रह, ऊंच के ग्रह, नीच के ग्रह, तो जो ग्रह जन्मपत्री में हॉरोस्कोप में शुभ बताए गए हैं उन ग्रह से संबंधित जो भी वृक्ष हैं उनको, जो स्थिति है हॉरोस्कोप में जन्मपत्री में उन ग्रहों की जो स्थिति है उस स्थान पे, उस दिशा में अगर उस वृक्ष को लगाया जाए, उसका रोपण किया जाए, उसकी सेवा की जाए, तरह तरह वृक्षों की सेवा करने के भी अलग अलग तरीके हैं, तो बहुत ज्यादा लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब मान लीजिए किसी की पथरी में वो वृक्ष नहीं है, उसको उस वृक्ष को नहीं लगाना, और उसने लगा लिया, तो लाभ के स्थान पे हानि होने लगेगी। लाल किताब देखिए प्रॉपरली इसको बताता है अच्छी तरीके से कि कौन सा वृक्ष लगाया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहते हैं गुरु, बृहस्पति ग्रह, जुपिटर प्लैनेट आपका, अगर जन्मपत्र में शुभ है, यानी कि अपने पक्के घर में है, शुभ है, तो जिस भाव में है ये, जहां बैठा हुआ है, उससे उस भवन के उस भाग में, उस हिस्से में पीपल का वृक्ष लगाना बड़ा शुभ होगा। फिर उसका उसकी पूजा करना, उसका पाठ करना, उसमें जल देना, उसमें दूध से सिंचन करना, इस टाइप के उपाय बताए जाते हैं, तो ये प्रॉपर। और जिसका शुभ नहीं है, अगर उसने पीपल का वृक्ष लगा लिया, उसने पीपल के वृक्ष की सेवा करी, तो फिर वो नुकसान देने लगेगा। सूर्य ग्रह का बताया सिमिलरली, अगर सूर्य शुभ है हॉरोस्कोप में, लाल किताब की जन्मपत्री में, लाल किताब की जन्मपत्री भी बिल्कुल अलग बनती है, उसका वर्षफल भी बिल्कुल अलग बनता है, वो जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है इससे बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वो एक अलग विषय है, मैं उसका भी दे दूंगा आपको, आपके समझ में आ जाएगा। तो तेज फल वृक्ष बताया सिमिलरली। इसी प्रकार से अगर शुक्र प्रबल है आपका जन्मपत्री में, बलवान है, बलि ग्रह है, तो कपास के लिए या मनी प्लांट के पौधे का, या क्रीपर्स, वो बेल जो फैलती हैं धरती पे क्रीप करने वाली, क्रीपर्स कहलाती हैं। इसी तरीके से मंगल ग्रह का पता है, नीम वृक्ष की सेवा, नीम वृक्ष का रोपण। अगर केतु बलवान है जन्मपत्री में हॉरोस्कोप में, तो इमली का वृक्ष बताया, केले का वृक्ष बताया। अगर बुध बलवान है, इसके लिए बेल का बताया, इसके लिए केले का बताया, चौड़े पत्ते वाले जो वृक्ष होते हैं उनका बताया। इसी प्रकार से शनि ग्रह, सैटर्न अगर बलवान है, तो कीकर का वृक्ष बताया, खजूर का वृक्ष बताया,
आम का वृक्ष बताया उस दिशा में लगाया जाए जहां स्थित है जन्मपत्री में आपका शनि। फिर राहु का बताया गया, राहु के लिए कहा गया कि नारियल और कैक्टस ये दो वनस्पतियां लगाई जाती हैं तो वृक्षों के लिए बहुत शुभ होती हैं। तो ये जो प्रिस्क्राइब्ड है उन प्रिस्क्रिप्शन से अगर मान लीजिए अलग चलेंगे तब फिर वो लाख के स्थान पे हानि संभावित है और ये न्यूट्रल, न पॉजिटिव न निगेटिव। बस ठीक है, लगा दिया, वनस्पति का संरक्षण तो कर ही रहे हैं ना, वृक्षारोपण तो कर ही रहे हैं ना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। कुछ उपाय क्या होते हैं, देखिए आप कि इनके करने का समय सुनिश्चित है लाल किताब के अनुसार। वो कहते हैं कि जो सामान्य जन्मपत्री है उस जन्मपत्री के अकॉर्डिंगली जो जो आपके निदान निकलते हैं, जो जो आपके उपाय निकलते हैं उनको फॉलो करें। यानी कि एक वर्ष तक सामान्य रूप से जो जन्मपत्री में निकलते हैं यानी कि जनरल रूल्स जो हैं वो भी आपके अकॉर्डिंगली, यानी कि ए को अगर कोई चीज सूट कर रही है उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज करी गई है करनी तो उसको फॉलो करें। अगर ए के अकॉर्डिंगली वो चीज नहीं निकलती है, वो उसके एंटी है मान लीजिए, और वो अनजाने में या हमारे हमारे में अवेयरनेस नहीं है उसके बारे में, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं है और किसी ने बता दिया और उसको हमने फॉलो किया तो वो लाभ नहीं देगा, नुकसान करने लगेगा। फिर उसके बाद में लाल किताब की जन्मपत्री बनती है। अगर मान लीजिए आपने ये जनरल रूल पहले फॉलो करे जो आपके अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब करे गए, फिर इसके बाद में आपकी एनुअल हॉरोस्कोप बनी और जो आपकी एनुअल हॉरोस्कोप बनी वो एनुअल हॉरोस्कोप एक वर्ष के लिए हुई, उस एक वर्ष में जो जो चीजें आपके लिए आपके अकॉर्डिंगली निकाली गई चुनी गई फिर आप उनको फॉलो करें तो रिजल्ट मिलने की संभावना और भी अधिक बलवती होती चली जाएगी। इसको फिर पूरे वर्ष निभाना है और ये फिर पूरे तरीके से अपने मन से श्रद्धा से आस्था से करना है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह कि अगर कोई प्रयोग कर रहे हैं एक बार में एक प्रयोग पकड़ेंगे, है ना, एक किया उसको छोड़ा फिर दूसरा किया, और एक प्रयोग और दूसरे प्रयोग के बीच में कम से कम 7 दिन का अंतराल होना चाहिए, 7 दिन का इंटरवल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि 2-3-4 चीजें एक साथ लेके चल रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मस्तिष्क पे तिलक करने वाली बात आती है, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो धारण करने वाली बातें हैं, तो वो चीजें क्लब करी जा सकती हैं, मगर उपाय अगर कर रहे हैं तो 2 साइमल्टेनियसली नहीं करने, ये ध्यान रखना है विशेष रूप से। कई सारे देखिए ऐसे उपाय आते हैं निकल के कि इनको कौन करे कौन नहीं करे, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं तो फिर ये समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि किसी का कोई उपाय जैसे मान लीजिए छूट गया, जैसे इसका प्रिस्क्राइब किया गया है कि 43 डेज तक, 11 डेज तक, 8 डेज तक वो प्रिस्क्राइब करा जाता है किस व्यक्ति को कितने दिन करने की दरकार है। अगर मान लीजिए 43 डेज के लिए आपके लिए प्रिस्क्राइब किया गया और किन्हीं कारण से आप उसको 43 डेज तक कंटिन्यू नहीं कर पाए, 42 दिन तक कर पाए, 40 दिन तक कर पाए या 30 दिन तक कर पाए, तो फिर वो आपका खंडित हो गया, वो पूर्ण नहीं माना जाएगा, फिर आप उसको ए से लेके फिर स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ये इसका सही तरीका, अगर 8 दिन का कोई उपाय पकड़ रहे हैं आपके, आपको 8 दिन करना है, अगर मान लीजिए 7वें दिन में खंडित हो गया वो, तो आपको फिर उसको दोबारा फिर वो आपको ए से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ी चीज, जो आदमी फिर इतना पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं होता और वो आलस्य के कारण नहीं कर पाता, उसको छोड़ देता है। तो ये जो अंतराल है, ये जो ये आपका ये 8 दिन का, 43 दिन का, 11 दिन का, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है। इसमें एक चीज ये सामने आती है कि इन उपायों को कौन करे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए कोई कर रहा है, अगर वो मना नहीं कर सकता, विकल्प है, ये कोई छोटा बच्चा है, अगर उसको टेकअप नहीं कर पाता तो फिर उसके एवज में कौन करे। देखिए सबसे अच्छा माना गया है कि जो ब्लड रिलेटेड, जो नियरेस्ट ब्लड रिलेटेड, और जो नियरेस्ट ब्लड रिलेटेड होता है जो बायोलॉजिकल माँ है, मदर, माँ के लिए सबसे अच्छा उपाय, अगर वो डिसेबल है, अगर वो करने में समर्थ नहीं है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो उसके एवज में ये विकल्प है कि कर सकता है माँ करे, और फिर या कोई ब्लड रिलेटेड, और फिर अगर मान लीजिए जैसे किसी का कोई नहीं तो उसकी मिसेज, उसकी मैडम भी करती हैं, ऐसे भी करवाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं लगेगा खून से संबंधित रिश्ते वाले का लाल किताब का टोटका करा हुआ लगता है जरूर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लाल किताब के प्रयोग
फलीभूत होते हैं उनको जो तीन चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। देखिए एक तो इसमें वेद बताया गया है पर स्त्री गमन का, ये बहुत बड़ा भेद बताया गया है। ये करेंगे दारू शराब लिकर एडिक्शन या जो ये जो अल्कोहलिक हैं है ना, या कोई और व्यसन से जुड़े हुए हैं, बीड़ी है गांजा है कोई भी एडिक्शन किसी भी टाइप की चीज का ड्रगिस्ट है, उनको इसके फल नहीं लगेंगे लाल किताब के, उनको फलीभूत नहीं होंगे, उनको नहीं करना चाहिए। और तीसरा अंडा मांस जो वेजिटेरियन है वही करे, जो नॉन वेजिटेरियन है वो इनके लाल किताब के फरमान लाल किताब के उपाय नहीं करें क्योंकि उनको ये नहीं लगेंगे, उनको ये फलीभूत नहीं होंगे। और इसमें फिर जो आता है कि ये जो कहा गया है ना कि टोटके को पता नहीं चला, देखिए कि कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किसने बताया, क्यों बताया, कैसे बताया, यानी कि जहां पे क्यों कहां कैसे कौन, ये प्रश्न आने लगते हैं, क्वेश्चंस आने लगते हैं, ये टोक लगने लगती है, ये नहीं लगनी चाहिए इसमें। करा भूल गए, जैसे कर्म होता है ना कि यानी कि कहा जाता है ना कि एक अपने बोल रहे हैं तो कान को भी खबर नहीं आए कि किसने क्या किया, ये इसका सबसे बड़ा। तो ये अगर मान लीजिए ये फॉलो नहीं करते तब भी आपके प्रयोग फलीभूत नहीं होंगे, प्रॉपरली आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और बस देखिए ये इतनी सी छोटी सी चीज थी जो लोग जानते हैं सब, मगर अगर प्रॉपरली जो कोई बताने वाला है तो बस दो सबमिशन मेरे, एक तो प्रॉपरली व्यक्ति विशेष के अनुसार एनालाइज करे, क्योंकि मेरी भी अपनी ये मान्यता है कि जो एक चीज मुझे दरकार है, मान लीजिए मुझे एक चीज सूट कर रही है, जरूरी नहीं कि वो चीज दूसरे को भी सूट करे, तो मेरे अपने अकॉर्डिंगली, मेरे अपने एनाटॉमी के अकॉर्डिंगली मुझे क्या चीज सूट कर रही है, मुझे कब करनी है, कैसे करनी है, वो विधि विधान से तरीके से प्रॉपरली डायग्नोज करके प्रॉपरली एनालाइज करके तब उसको बताई जाए, तब लाल किताब के टोटके, लाल किताब के फरमान, लाल किताब के उपाय जरूर फलीभूत होते हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी किसी का स्वार्थ निहित नहीं है। और ये तो सबसे बड़ा देखिए कि किसी के अनहित की भावना से तो कभी कोई काम नहीं करे, मैं कभी भी इसको एनकरेज नहीं करता, हमेशा इसको डिस्करेज करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हेयरिंग गोपालाजू। और मैं चाहता हूँ देखिए ये जो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी अगर लाल किताब टेकअप कर रहा है तो ये सात नियम, ये सात जो मैंने बताए सूक्ष्म में, ये इनको जरूर फॉलो करे और ये वाइडली स्प्रेड करे, क्योंकि देखिए जितना ज्यादा ये चलन हो रहा है, सब चलन तो हो रहा है मगर जो इसका मूल ये सारसत है ये किसी की समझ में नहीं आ रहा, ना ही कोई इसको समझना चाह रहा है, ना ही किसी के पास इतना समय है कि उसको समझाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।